प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अपने लखनऊ स्थित आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। इस दौरान गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में चयन किया गया है, जिसमें प्रदेश में चयनित 31 जिलों में गोरखपुर भी शामिल है, जिनका शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले प्रधानमंत्री ने लद्दाख में शहीद हुए जवानों की पराक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया है, वे गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है। जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कई प्रवासी मजदूरों से कई महत्वपूर्ण बातें की। प्रधानमंत्री ने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का कार्य मिलेगा। इसे देश के राज्यों के उन जिलों का संचालित किया जाएगा जिसमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। अभियान में रोजगार एवं अवस्थापना सृजन के तहत 25 प्रकार के काम कराए जाएंगे। इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। योजना के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, अपनी बातचीत का प्रारंभ करने से पहले लद्दाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया, देश तो सेना पे गर्व करता ही है, लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है। हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार जनों को भी। आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो मैं निशान दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, देश सेना के साथ है, देश उसके उज्जवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है। आज के इस कार्यक्रम की बात करने से पहले मैं जरूर वहां के गांव के लोगों से, बिंदौर के और खगड़िया जिला बिहार मैं जरूर के घर तक पहुंचाए परिवार विकास कल्याण बैंक प्रबंधन के द्वारा हम लोग की मुख्यमंत्री लॉकडाउन के दौरान कुल कितने लोग आपके पंचायत में और राज्यों से वापस आए, कितने लोग होंगे? लगभग 475 आए। 475 की व्यवस्था की, 500 लोगों की व्यवस्था की इतने दिन तक? सर देखिए, गांव के हिसाब से आपने बहुत बड़ा काम किया है। शहरों में इतना तो हजारों लोग है, लेकिन इस काम में व्यवस्था का दम उखड़ जाता है। आप गांव वालों ने इतना बड़ा काम किया, संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है और आपने जैसा वर्णन कर रहे थे कई प्रकार की व्यवस्थाएं की, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं और कौन बात करेंगे? अगले वक्ता श्रीमती स्मिता कुमारी जी, अनुरोध करना की स्मिता जी आए और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद स्थापित करें। नमस्ते नमस्ते। नेताजी आपकी पढ़ाई कितनी हुई है?
ये लॉकडाउन के समय आप कहाँ थी? यही थी या कहीं बाहर थी? नहीं, दिल्ली में थी। दिल्ली में थी? क्या हुआ बताइए जरा। दिल्ली में थे, मेरा स्वेट का काम बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, फिर स्पेशल ट्रेन पकड़ के हम गाँव आ गए। आप तो यहाँ पर क्या करते थे? क्रेड फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, तो वापिस कैसे पहुँचे आप? स्पेशल ट्रेन से आए हैं। अच्छा, वो सभी ट्रेन मिल गए आपको? हाँ। अच्छा, तो रास्ते में कोई दिक्कत विक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। आपकी कोई शिकायत नहीं है मेरे लिए? मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया देखो, हमको दिल्ली से घर आना पड़ा, ऐसा नहीं कर रहे हैं? आप अभी अपने गांव में हैं, आपका परिवार भी गांव में है, सबसे मिलना हो गया, तब इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? अभी सोच रहे मधुमक्खी पालन करने के लिए विचार सब आदमी बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, मधुमक्खी का काम करेंगे, बहुत अच्छा काम आप सोच रही है। देश को भी लाभ होगा, क्योंकि आज हमारा देश मधु कहाँ से लाता है और वैक्स भी कहाँ से लाता है? मोम के पास से लाता है। तो अगर आप ये काम करोगी और आपके गांव में काम चल पड़ा तो जरूर देश का लाभ होगा। अभी कुछ शुरू कर दिए हो क्या? परिवार के सब लोग खुश हैं घर में रह रही हो तो? चलिए आपको बहुत बधाई और इस योजना का आपको लाभ मिले। आइए और कौन बात करेंगे? धन्यवाद सीता जी, अपना श्री काम करते थे इस वजह से हम वहाँ से ट्रेन चलाए, आप उस ट्रेन से आए और ट्रेन में बहुत अच्छा सुविधा था, दूर दूर बैठने की जगह था, उसके बाद आगे के मास्क लगाए हुए थे सब, इस वजह से साफ सफाई बढ़िया पहले से बहुत भीड़ था। पहले जब आते थे बहुत भीड़ था कि इतना चल नहीं पाते थे, कोई सामान था तो उससे लेकर के नहीं चल पाते, तो पुलिस वाला चले आते हैं क्या? अगर औरों को तकलीफ हो तो जीविका दीदी कहाँ है करके लोग आपके पास दौड़ के आते हैं क्या? जाते हैं दीदी, जीविका दीदी हमको भी तकलीफ दूर करते हैं और हम भी दीदी को तकलीफ दूर करते हैं। अभी सब मुझसे ऋण लिए और दीदी को भी दिलाए, दीदी भी गाय बकरी लेकर के अपना परिवार के घर में चला रहे हैं। तो आप स्वयं सहायता समूह से जो गहरे जुड़ी है, वो आज से जो अभियान शुरू हुआ है, ये मेरे हिसाब से बहुत लाभकारी होने वाला है। आपके गांव में, आपकी पंचायत में आपका जो ये स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि महिलाएं बड़ी जागरूकता को काम करती है, लेकिन आप पुरुष से क्या काम करते हैं आपके समूह के लोग? अपने समूह के लोग मुख्य रूप से काम करते हैं, अपने गाय बकरी पालन करते हैं, उसके बाद हम समूह में जाकर के अभी कोरोना वायरस के चलते सभी को सोशल डिस्टेंस के लिए रहने के लिए कहते हैं, मास्क लगा के घर से बाहर निकल के मास्क लगा के चलने के लिए कहते हैं, साफ सफाई साबुन से हाथ धोने के लिए कहते हैं, बच्चे के साफ सफाई पर भी ध्यान रखने के लिए कहते हैं। पूरा सारे बात मानते हैं गाँव के लोग, कोई भी बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते हैं। हमें बड़े बड़े शहरों में तो समझाने में बहुत दिक्कत आती है। शाम ठीक है, हो जाएगा। लाखों की संख्या में प्रवासी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ। इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी तो हमारे गरीब सभी वर्ग पर पड़ी, उनकी तकलीफ शब्दों में नहीं कही जा सकती। प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना आवश्यक हो गया है। केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे गांवों में रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएं खुली हैं। ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं।
अभियान के तहत 125 दिवस निश्चित किए गए हैं। व्यय की जाने वाली राशि 50,000 करोड़ रुपए है। अभियान के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास के मकसद से 25 विकास कार्यों के संपादन पर जोर दिया जाएगा, जिनमें सड़क, ग्रामीण आवास, बागवानी, पौधारोपण, जल संरक्षण से जुड़े कार्य, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन के साथ साथ जल जीवन मिशन आदि विभिन्न कार्य शामिल हैं। 125 कार्य दिवसों वाले इस अभियान के तहत जो कामगार अपने गृह क्षेत्रों में आने के बाद अपने क्षेत्र में ही रहकर काम करना चाहते हैं, उनको उनके हुनर और रुचि के अनुसार संगठित करते हुए सतत आजीविका सृजन के लिए उद्यमिता और आजीविका विस्तार के प्रयास किए जाएंगे। जिन कामगारों को रोजगार की तुरंत आवश्यकता है, उन्हें विभिन्न कार्य क्षेत्रों में मजदूरी का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पहल से एक तरफ तो जहां विभिन्न स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र के विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये अभियान विशेष रूप से 6 राज्यों के 116 जिलों के लिए है, जहां प्रवासी मजदूरों की वापसी अपेक्षाकृत अधिक हुई है। भारत सरकार का प्रयास ये भी है कि ऐसे कामगार ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही जीविकोपार्जन की अन्य गतिविधियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की गतिविधियों को निकट भविष्य में सतत प्रक्रिया के तहत जारी रखते हुए अभियान को एक सशक्त प्रधानमंत्री महोदय सिंह आग्रह है कि ग्राम पंचायत तेलीहार, प्रखंड बेतौर, जिला खगड़िया में इस अभियान के तहत योजनाओं का शुभारंभ रिमोट द्वारा करने की कृपा करें। महामारी से श्रमिकों एवं कामगारों के रोजी रोजगार पर हुए प्रतिकूल असर की चुनौतियों ने देश के सामाजिक आर्थिक आयामों को नई दिशा देने का अवसर प्रदान किया है। बिहार में भी आए लगभग 30 लाख श्रमिकों एवं कामगारों को एक ओर जहां राज्य सरकार द्वारा क्वारंटाइन केंद्रों में रखकर संक्रमण के फैलाव को सीमित करने का कार्य किया गया है, वहीं इनके स्किल एवं विभिन्न योजनाओं में रोजगार के अवसर की मैपिंग भी की गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं एवं जल संचयन तथा जल संरक्षण संबंधी जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत व्यापक पैमाने पर श्रमिकों को कार्य के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस कड़ी में साथियों, इस औपचारिक उद्घाटन से पहले मैं खगड़िया में अपने भाइयों और बहनों से बात कर रहा था। आज गांव के आप सभी से बात करके मुझे खुद को कुछ राहत भी मिली है, संतोष भी मिला है। जब कोरोना महामारी का संकट बढ़ना शुरू हुआ था तो आप सभी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों की चिंताओं में बने हुए थे। इस दौरान जो जहां था वहां उसे मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। हमने अपने सभी भाई बहनों के लिए स्पेशल समिट ट्रेनिंग भी करा दी। वाकई आज आपसे बात करने, आज आपकी ऊर्जा में भी जो ताजगी थी और एक सम्मान का भाव था, विश्वास था, ये सब कुछ मैं महसूस कर रहा हूं। कोरोना का इतना बड़ा संकट पूरी दुनिया जिसके कारण हिल गई, सहम गई, लेकिन आप डट करके खड़े रह गए। भारत के गांवों में तो कोरोना का जिस तरह मुकाबला किया है उसने शहरों को भी बहुत बड़ा सबक दिया है। सोचिए, 6 लाख से ज्यादा गांवों वाला हमारा देश, जिनमें भारत की 2/3 से ज्यादा आबादी, करीब करीब
80-85 करोड़ लोग जो गांवों में रहते हैं, उस ग्रामीण भारत में कोरोना के संक्रमण को आप सब गांववासियों ने बहुत ही प्रभावी तरीके से रोका। और ये जो हमारे गांवों की जनसंख्या है, 80-85 करोड़ जो जनसंख्या है, अगर हिसाब लगाएं तो ये जनसंख्या यूरोप के सारे देशों को मिला दें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये जनसंख्या पूरे अमेरिका को मिला दे, रूस को मिला दे, ऑस्ट्रेलिया को मिला दे, तो भी ये हमारे गांवों की जनसंख्या उससे भी ज्यादा है। इतनी बड़ी जनसंख्या का कोरोना के इतने साहस से मुकाबला करना, इतनी सफलता से मुकाबला करना, ये बहुत बड़ी बात है। हर हिंदुस्तानी इस बात के लिए गर्व कर सकता है। इस सफलता के पीछे हमारे ग्रामीण भारत की जागरूकता ने काम किया है। पंचायत स्तर तक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे चिकित्सा केंद्र, वेलनेस सेंटर, हमारे स्वच्छता अभियान की अहम भूमिका रखी है। लेकिन इसमें भी ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे साथी, ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जीविका दीदी, इन सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और ये सभी महामारी के पात्र है, अभिनंदन के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है। साथियों, अगर यही बात शादी से आधी भी अगर तो पश्चिम के देश में हुआ होता तो न जाने दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सफलता की कितनी चर्चा होती, कितनी वाहवाही होती, न जाने क्या कुछ होता। लेकिन हम जानते हैं कुछ लोगों को अपनी बात भी बताने में जरा संकोच होता है, कुछ लोगों को लगता है कि भारत के ग्रामीण जीवन की इतनी बड़ी वाहवाही हो जाएगी तो दुनिया में फिर वो क्या जवाब देंगे। आप हकदार हैं इस प्रशंसा के, आप हकदार हैं इस पराक्रम के, आप हकदार हैं इतने बड़े जीवन मौत का खेल जहां खेला जाता है ऐसे वायरस के सामने गांव को, गांव वासियों को बचाने के लिए प्रशंसा के हकदार है। खैर, दुनिया में इस प्रकार का स्वभाव है, हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, लेकिन कोई पीठ थपथपाए तो थपथपाए, मैं आपका जय जयकार करता रहूंगा, मैं आपके इस पराक्रम की बात दुनिया में गाने बाजे के साथ करता रहूंगा, क्योंकि आपने काम करके दिया है। आपने अपने हजारों लाखों लोगों कोरोना से बचाने का पुण्य किया। आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही हिंदुस्तान के गांवजनों ने जो काम किया, हर गांव ने जो काम किया, हर राज्य ने किया, मैं ऐसे गांव को संभालने वाले, गांव वासियों को संभालने वालों को आज आदर पूर्वक नमन करता हूं। देश के गरीबों, मजदूरों, श्रमिकों को और उनकी जो शक्ति है, इस शक्ति को भी मैं नमन करता हूं। मेरे देश के गांवों का नमन, शत शत नमन। वैसे मुझे आज वहां भी खुशी खबरी मिली, मुझे बताया गया है कि परसों से पटना में कोरोना टेस्टिंग के एक बड़ी आधुनिक टेस्टिंग मशीन भी काम शुरू करने वाली है। इस मशीन से करीब करीब 1500 टेस्ट एक ही दिन में करने संभव होंगे। इस टेस्टिंग मशीन के लिए भी बिहार के लोगों को मैं बधाई देता हूं,
इस कार्य में जुड़ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, अलग अलग राज्यों के सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय नीतीश बाबू, अशोक गहलोत जी, शिवराज जी, योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित सांसद और विधायक और सभी अधिकारीगण, पंचायत के प्रतिनिधिगण और टेक्नोलॉजी के जरिए देश को सैकड़ों गांवों से जुड़े मेरे कर्मठ कामगार साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सवेरे 11 बजे एक योजना का प्रारंभ किए थे। खासतौर पर जो मजदूर, प्रवासी मजदूर बाहर से भारी मात्रा में आए हैं, करीब 125 जनपद हैं पूरे भारत में, उसको सेलेक्ट किए हैं और 50,000 करोड़ आगे 125 दिन में खर्च होगा। इस विभिन्न विभाग मिलकर काम करेंगे इनके रोज़गार देने में, और 125 दिन में इन लोग जो कितने लोग बाहर से आए हैं उनका हुनर के हिसाब से काम मिलेगा, जो पेंटर है, प्लम्बर है, फिटर है, उसी के हिसाब से उसको शुभारम्भ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। उसी जो 125 जनपद हमने बताया था उस पर गोरखपुर भी एक जनपद है, ताकि हम लोग को भी तकरीबन 2 लाख लोग बाहर से आए हैं, उन्हीं लोगों को भी विभिन्न जो रोज़गार देने के साधन है उसी के माध्यम से हम जुड़वा रहे हैं, उन लोगों को रोज़गार दिला रहे हैं। उसी का प्रारंभ आज प्रधानमंत्री जी ने किया।